राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। हालांकि राजस्थान के अलावा 6 अभी और ऐसे राज्य हैं जहां पर आयकर विभाग सक्रिय है और वहां पर भी रेड चल रही है। मैं भवानी का रुख भी कर लेती हूँ। भवानी, एक्सक्लूसिव खबर ये, राजस्थान के गृह मंत्री के घर भी छापेमारी चल रही है, क्या अपडेट है? देखिए, गृह मंत्री राजेंद्र यादव है, उनके बेटे मधुर यादव है, उनके यहाँ इस वक्त छापेमारी चल रही है। इसके अलावा काफ़ी सारे और लोग हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त छापेमारी हो रही है वो कोटपुतली के अंदर हो रही है। कोटपुतली और जयपुर के अंदर एक मिड डे मील के सप्लायर है पौष्टिक आहार के, उनके यहाँ छापेमारी है। और आरोप ये है कि 2018 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक घोटाले में इनका नाम आया था और ये आरोप इन पर लग रहा है कि मिड डे मील के अंदर टैक्स चोरी की है और बड़े पैमाने पर चोरी हुई। उसका ये आरोप है कि ये पॉलिटिकल फंडिंग का काम कर रहे थे। फंडिंग किसको कर रहे थे ये जांच की जा रही है कि जो पैसा चोरी के अंदर टैक्स चोरी की जा रही थी वो पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर काम में लिया जा रहा था, ऐसा एजेंसियों को अभी तक जांच के अंदर सामने आया। अभी तक छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी के अंदर मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, इसके अलावा जो सप्लायर है और बेचने वाले हैं, और पूरे देश भर के अंदर जो सप्लाई करने वाले, पूरी सप्लाई चेन पर छापेमारी है। सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं, दिल्ली के अंदर 8 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, उत्तराखंड में 1 ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है और महाराष्ट्र में 7 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और पूरी जो चेन है ये, जिसके अंदर जो मिड डे मील के सप्लायर है, उन्होंने आपको रोके में और दर्शकों की स्पष्टता के लिए जानना चाहती हूँ, जितनी जगह आपने बताई, चाहे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ये पूरा मामला मिड डे मील से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। ये मिड डे मील की एक सप्लाई चेन है, जो सप्लायर है ये सप्लायर का कनेक्शन जिन जिन जगहों पर हम बता रहे हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान, जहां पर छापेमारी की जा रही है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में 37 ठिकानों पर, जयपुर और कोटपुतली के अंदर छापेमारी चल रही है। और ये तमाम जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि जो मिड डे मील की सप्लाई की जाती है उसमें टैक्स चोरी और उसको लेकर कुछ धांधलियों से जुड़ा हुआ है। और उसकी जांच, ये जांच में ये इनपुट सामने आया था कि ये जो पैसा है, जो चोरी का पैसा है, वो मैं भवानी एक मिनट आपको रोक रही हूं क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर, इसमें 173 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, 100 से अधिक जगहों पर। इसके पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन अब यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए, पूरे देश में 173 ऐसी जगह है जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। ये न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। राजनीतिक दलों के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में छापेमारी एक साथ चल रही है। यह बड़ी खबर, 173 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है, राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा उगाही का यह पूरा मामला है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की यह खबर है, एक्सक्लूसिव खबर, जहां सुबह 6:30 बजे से लगातार छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर न्यूज 18 के शंकर आनंद की यह एक्सक्लूसिव खबर, पूरे देश के अंदर 173 जगह है जहां पर इनकम टैक्स विभाग की अभी छापेमारी चल रही है। राज्य कौन कौन से हैं वो भी आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। अच्छा, शंकर आनंद इस वक्त जुड़ भी गए मेरे साथ, शंकर क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त में मैं पहुंचा हूं और सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है और ये एडवोकेट देखिए अभिषेक कृष्णा नाम है और यहाँ पर इनकम टैक्स की सर्च चल रही है और यहाँ पर इस इनकम टैक्स की इस रूम के अंदर मौजूद है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की ही मदद ली गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इसी रूम के अंदर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से सर्च ऑपरेशन की जानकारी की अगर बात करें तो जिस तरह से कई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई और कई राजनीतिक पार्टियों को बना करके जिस तरह से फंड का दुरुपयोग और जिस तरह से एक राजनीतिक चंदा लेने का जो आरोप लगा, इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और देखा जा सकता है कि इनकम टैक्स के अधिकारी अब यहाँ से मंच से निकलते और आप बता रहे कि इनकम टैक्स के अधिकारी मैं देखना चाहूंगा इनकम टैक्स के अधिकारी की वहाँ निकल रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश भी करूंगा उनसे बात करने की, हालांकि निकल चुके हैं और देखा जाए जिस तरह से इनकम टैक्स यहाँ पे नाम देखा जाए अभिषेक कृष्णा और यहाँ पर मौके पर मौजूद इनकम टैक्स के अधिकारी जिस तरह से अगर पुलिस की अगर बात करें और जिस तरह से अगर पूरे सवाल की अगर बात करें तो जनराज पार्टी नाम की स्थापना की गई, जनराज पार्टी और उस जनराज पार्टी को बनाया गया था ये दिल्ली के एड्रेस में बनाया गया और इस कंपनी को बनाने वाला जो एक हम जैसा कि हम सुबह में बता रहे थे
कि एक वकील की भूमिका सामने आई और ये वकील हैं अभिषेक कृष्णा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और जिस तरह से इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे और इस वक्त में करीब 5 से 7 इनकम टैक्स के अधिकारी इस लोकेशन में मौजूद हैं। ये न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने तमाम इस लोकेशन को दिखाना चाहेगा जहां पर इनकम टैक्स की सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अभिषेक कृष्णा नाम है और जिस तरह से नाम की अगर बात करें तो जिस तरह से एक यहाँ पे पार्टी बनाई गई जनराज पार्टी और जनराज पार्टी को इसी एड्रेस पर बकायदा बनाया गया और इसी जनराज पार्टी की अगर बात करें तो इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में है जहां पर इस पॉलिटिकल पार्टी के फंड में काफ़ी पैसा आया, करोड़ों रुपए आए और उसके बाद करोड़ों रुपए को जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि उसको ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया गया। और यहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी इस रूम में हैं और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस कमरे में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। काफ़ी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं इस कमरे में मौजूद हैं और देश में आज तकरीबन 100 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जिस तरह से एक बड़ी टीम का गठन किया गया और अलग अलग राज्यों में, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम उन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से एक नाम सामने आया अभिषेक कृष्णा, इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि जनराज पार्टी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी को तैयार किया गया और ये है हाउस नंबर 108। ये यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये दफ्तर भी है और आवाज ठीक है। तो ये आनंद को आप देख पा रहे थे, एक्सक्लूसिव खबर भी आनंद की ही थी और उन्हें अभी आप सुन पा रहे थे। अब ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। तो देश के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी और किस तरह से बोगस पार्टियां बना करके जो एक्टिव ही नहीं थी, ऐसी पार्टियां जो कागजों पर तो थी लेकिन वास्तविकता में नहीं थी या फिर कहीं पर एक्टिव नहीं थी, उन्हीं पार्टियों में फंडिंग की जा रही थी और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जा रहा था। अलग अलग जगहों पर छापेमारी है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा, हिमाचल, इन तमाम जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके पहले मेरे सहयोगी शंकर आनंद ने तो बाकायदा जहां पर इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है उसके बाद नेम प्लेट, जो लॉयर थे उनकी नेम प्लेट भी आपको दिखा दी और किस तरह से जनराज पार्टी बनाई गई, लॉयर के जरिए ही बनाई गई, उनका दफ्तर जो था वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। अब ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की है, आयकर विभाग की छापेमारी यहाँ पर भी चल रही है। तो इनकम टैक्स की ये चोरी और अब कितनी बड़ी मछलियां इसमें फंसती हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि अगर बोगस पार्टियां बना करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा था तो क्या इसके जरिए कहीं बड़ी पार्टियों को तो फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा था। इन्हीं तमाम बातों की जांच पड़ताल इस वक्त आयकर विभाग की तरफ से की जा रही है, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं उन जगहों पर पहुंचकर जहां पर जिन एड्रेस पर जिन जगहों पर बोगस पार्टियां बनाई गई थी। बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार देश भर के अलग अलग इलाकों में आयकर विभाग की छापेमारी, राजस्थान से भी आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर। खबर ये कि राजस्थान के गृह मंत्री से जुड़े हुए कुछ ऐसे खास ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग लगातार ऐसी छापेमारी देश भर में कर रहा है, यहां तक कि पुलिस बल की, CISF की, CRPF की भी मदद ली जा रही है। इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर कितनी सटीक छापेमारी आयकर विभाग की चल रही है। और खबर ये है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही गड़बड़ियों का अंदेशा और उसके तहत राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है। बताया ये गया अब तक की 37 ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी शुरू हो चुकी है और खास बात ये कि अब यहां पर वो दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, ये देखने की भी कोशिश हो रही है कि आखिर किस किस तरह की गड़बड़ियां इसमें की गई थी, किस तरह की फंडिंग से जुड़ा यह मसला है, क्या कहीं कोई काले धन से जुड़ा मसला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दरअसल ये देखने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से आवक जावक उनके रजिस्टर में दर्ज है, क्या वहां पर टैक्स चोरी बड़े पैमाने पर की गई है। ये एक बेहद एक अहम मसला, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर हमारे सहयोगी भवानी सिंह दे रहे हैं। भवानी, क्या ताजा अपडेट, अब ये छापेमारी का आंकड़ा क्या कुछ और बढ़ता नजर आ रहा है इस वक्त?
देखिए बिल्कुल अभी ये जो छापेमारी शुरू हुई है इसके अंदर राजस्थान का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा है कि एक मिड डे मील से जुड़ा हुआ मसला है और राजेंद्र यादव जो गृह राज्य मंत्री है राजस्थान सरकार में उनके बेटे हैं, कहा जा रहा है कि उनके बेटे की फर्म है मधुर यादव, उनके फर्म पर भी छापेमारी की जा रही है और राजस्थान में दो लोकेशन पर एक साथ छापेमारी चल रही है, जयपुर और जयपुर से 100 किलोमीटर दूर कोटपुतली। जयपुर के अंदर उन दफ्तरों पर छापेमारी की जा रही है जो मिड डे मील से जुड़े हुए सप्लायर है उससे जुड़े हुए, और कोटपुतली के अंदर वहाँ गोडाम जहाँ पर मिड डे मील और पौष्टिक आहार तैयार होता है। अब पूरा इसका कनेक्शन पूरे केवल राजस्थान से नहीं है, राजस्थान में जो सप्लायर है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड वहाँ पर भी लगातार इसके कनेक्शन की छापेमारी की जा रही है। आरोप ये है कि ये जो पैसा है टैक्स चोरी कर रहे थे इसके अंदर और टैक्स चोरी का पैसा पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे, और ये मामला केवल अभी से जुड़ा हुआ नहीं है, 2018 के अंदर जो ये सप्लायर है तब नज़र में आया था, तब ये आरोप लगा था, तब से जांच चल रही थी कि पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जो पैसा टैक्स चोरी का वो किस किस को पैसा दिया गया, कौन सी पार्टी ने इस पैसे का फंड के अंदर उपयोग किया, ये तमाम तरीके की जानकारी है जो आज छापेमारी जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद में बाकी की एक्सरसाइज शुरू होगी। इसके अलावा जो और कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं कि जो ये सप्लायर है इसका कनेक्शन और कहां कहां पर है, इस वक्त जिस जगह पर हम जा रहे हैं जहां पर सप्लायर का एक दफ्तर है जहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है, कुछ ही वक्त में हम लाइव तस्वीरें आपको बताएंगे वहां से कि किस तरीके से रेड लगातार चल रही है। और क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है कोई इशू खड़ा नहीं हो, और क्योंकि ये एक छापेमारी मिड डे मील से जुड़ी हुई है इसलिए CRPF के काफ़ी सारे जवान तैनात किए गए हैं, 100 से ज़्यादा कर्मी हैं सेंट्रल एजेंसीज के, जिसके जरिए जिससे कि आराम से स्मूथली छापेमारी और इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो, क्योंकि छापों के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक से दूसरे का कनेक्शन होता है, इन्फॉर्मेशन अगर लीक होती तो वहाँ सबसे बड़ा मसला होता, इसलिए एक साथ एक ही जगह पर एक साथ सभी जगहों पर छापेमारी की जा रही है और इन्फॉर्मेशन डिटेल्स उसके बाद में सबकी शेयर की जाएगी, उसके बाद में पूरा खुलासा होगा कि इसमें और इन्वॉल्वमेंट किस किस का है और कितनी बड़ी ये चैन है। और ये क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि केवल पॉलिटिकल फंडिंग हो रही थी या टैक्स चोरी होती, क्योंकि मिड डे मील देश का एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर स्कूलों के अंदर मिड डे मील की सप्लाई की जाती है, बच्चों को ये खाना खिलाया जा रहा है, तो उसमें कई सारे सवाल है, उसमें खाने की क्वालिटी का भी सवाल आएगा, उसके अंदर ये भी आएगा कि जो सप्लाई की गई क्योंकि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि वाया स्टेट गवर्नमेंट ये मिड डे मील सप्लाई होता है, क्योंकि मिड डे मील पर्टिकुलर केवल जो सप्लायर है या निर्माता है केवल उसका रोल नहीं होता, इसमें सरकारों का रोल होता है। जाहिर हो सकता है कि आगे की जांच के अंदर हो सकता हो कि संबंधित सरकारों से जुड़े हुए कई छापेमारी और हो या पूछताछ हो सकती है। जी बिल्कुल, तो राजस्थान से ये बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर ये है कि कई और ऐसी जगह है जहां यह छापेमारी लगातार चल रही है, राजस्थान में जयपुर जोधपुर कोटपुतली में ही छापेमारी, लेकिन खास बात यह कि राजस्थान के गृह मंत्री से ही जुड़े कई ऐसे ठिकाने जहां यह छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि मिड डे मील में फूड सप्लाई को लेकर के ये एक बड़ी धांधली का आरोप लगाया और इसीलिए आयकर विभाग की ये बड़ी छापेमारी, और राजस्थान में अगर इतने बड़े पैमाने पर ये छापेमारी हो रही है तो खबर ये कि देश भर में आयकर विभाग अब एक्टिव हो चुका है, जगह जगह छापेमारी। मानव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, मानव क्या और ताजा अपडेट, इसके अलावा भी कई और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है? सीधे अमित के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या ताजा अपडेट आपके पास में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं और लखनऊ में इनकम टैक्स की रेट सुबह 6:30 बजे से चल रही है। ये गोपाल राय की तस्वीर है, गोपाल राय जो कि क्रांतिकारी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके आवास पर इस वक्त इनकम टैक्स की रेट चल रही है। ये गोपाल राय की तस्वीर है। दूसरी एक तस्वीर हम दिखाएं, लोकल पुलिस यहाँ पर, सर रेट कब से चल रही है? रेट कब से चल रही है यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट कब से चल रही है? ये सुबह चल रही है, बस सुबह चल रही है। किनका आवास, किस श्री गोपाल राय साहब का? अब क्या करते हैं गोपाल राय? अरे, केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। इसके अलावा NGO वगैरह भी चलाते हैं, राष्ट्रीय पार्टी। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी जी। तो देखिए, यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर ये यहाँ पर जो बाहर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो मौके पर यहाँ पर मौजूद है। सुबह बताया जा रहा है कि 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर रेड शुरू हो गई है। लोकल पुलिस किसी को आवास के अंदर जाने नहीं दे रही है, बाहर किसी को निकलने नहीं दे रही है। लगातार यहाँ पर अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। फंडिंग को लेकर ये पूरा मामला सामने आया
आया और देख आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार रेड चल रहा है। मैं पूरा ये आवाज़ दिखाइएगा जरा गोपाल राय की, ये गोपाल राय का आवाज़ है। कई राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उनके साथ इनके फोटोग्राफ भी हैं। अब बताया ये जा रहा है कि ये पहले NGO भी चलाते थे, तो ऐसे में इनकम टैक्स के अधिकारियों को जैसे इनके बारे में जानकारी मिली सुबह तड़के, जब देश के कई राज्यों में कई शहरों में जो छापेमारी हुई, तो उसके साथ साथ यहाँ पर भी छापेमारी हुई है। और ये तस्वीरें दिखाइए जरा एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से देश के नंबर वन न्यूज़ चैनल पर देश दर्शक लगातार देख रहे हैं कि ये लोकल पुलिस है जो मौके पर इस वक्त मौजूद है और किसी को घर के अंदर जाने नहीं दे रही है, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है। गोपाल राय का ये आवाज़ है। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गहमा गहमी इस वक्त गोपाल राय के घर के बाहर, और लगातार यहाँ पर रेड जो है इनकम टैक्स का जारी है। जी मैं पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? IT, अब ED भी पीछे पीछे आई। मैं पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? IT, अब ED भी पीछे पीछे आई। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, इनकम टैक्स का बहुत बड़ा एक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है पूरे देश में। इस वक्त एक साथ रेड चल रही है, 173 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है जगहों का। गुजरात में 20 से ज्यादा जगह इस वक्त छापेमारी आयकर विभाग की। चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के बाद यह एक्शन आयकर विभाग का अब दिखाई दे रहा है। अच्छा, तस्वीरें भी अलग अलग जगहों पर आपको देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई। दिल्ली में मेरे सहयोगी शंकर आनंद ने सीधी तस्वीरें आपको दिखाई। इसके पहले लखनऊ की आप तस्वीर देख रहे थे, जहां किस तरह से आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं पहुंचे हुए। छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। तो टैक्स चोरी के मामले में पूरे देश में छापेमारी चल। और ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। आयकर विभाग की छापेमारी देश के अलग अलग कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये चल रही है। खास बात ये कि राजस्थान में भी, राजस्थान के गृह मंत्री के कई ऐसे ठिकाने जहां छापेमारी चल रही है। लेकिन सबसे खास बात ये कि कुछ दिन पहले ही निर्वाचन आयोग ने कुछ 111 ऐसी पार्टियां थी जिनके जब दस्तावेज खंगाले तो ये पता चला कि ये रजिस्टर तो हैं लेकिन अस्तित्व में ही नहीं है। और तब ये बड़ी आशंका पैदा हुई कि क्या ऐसी फर्जी राजनीतिक पार्टियों की आड़ में एक फंड की उगाही हो रही है, और इसलिए बेहद सटीक आयकर विभाग की ये छापेमारी, ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, ये देखने की कोशिश हो रही है कि क्या कुछ ऐसा कालाबाजारी हो रही थी अवैध पार्टियां बना करके। ऐसी पार्टियां जो रजिस्टर तो करवा ली गई हैं लेकिन इसके बावजूद वह अस्तित्व में नहीं है, और इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन खत्म करने की बात कही गई थी। और अब उनके रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं कि आखिर कहां कहां से इन्हें फंडिंग हो रही थी, और इसीलिए देश भर में एक साथ छापेमारी आयकर विभाग की ओर से की जा रही है। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पिछले कई वक्त से अपना एक राजनीतिक दल बनाकर इस तरह से अवैध रूप से फंडिंग कर रहे थे, और क्या देश से बाहर से भी कुछ ऐसे राजनीतिक दलों को फंडिंग हो रही थी, कौन कौन लोग थे जो इन्हें फंडिंग कर रहे थे, और एंट्री कराने वाले उन ऑपरेटर्स पर भी अब छापेमारी हो रही है। ये पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन है ऑपरेटर, क्या ये महज एक धंधा था, एक ऐसा कारोबार था जिससे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा सके। और इसीलिए राजनीतिक दलों से जुड़े कई ऐसे ठिकाने हैं जहां ये छापेमारी हो रही है। राजस्थान में जहां मिड डे मील को लेकर के टैक्स चोरी का एक बड़ा मामला सामने आ सकता है और इसे खंगालने के लिए आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, तो वहीं देश के कई और ऐसे इलाके हैं, राज्य हैं, जहां पर इसी तरह की छापेमारी, लेकिन ये छापेमारी चल रही है उन आधार पर जब खुद निर्वाचन आयोग ने कहा था कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो लगातार इस तरह से गलत तरीके से एंट्री कर रहे होंगे, और इसीलिए देश के अलग अलग इलाकों से जो छापेमारी चल रही है देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हम ये खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं।
मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त लोकल पुलिस के कुछ जवान जो हैं इस वक्त घर के अंदर गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकल पुलिस के जवान यहाँ पर गए हैं। तो जाहिर तौर पे इनकम टैक्स के अधिकारी, कुछ लोकल पुलिस से कम्युनिकेशन हुई होगी उनकी, उसके बाद ये घर के अंदर गए हैं। हो सकता है कि ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की बात हो। अंदर लगातार इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन जो है इनकम टैक्स के अधिकारी को, ये सुबह 6:30 से चल रहा है। तो वहीं यहाँ पर एक महिला पहुँची हुई है, उस महिला से हम बातचीत करते हैं। वो महिला अलग से अपनी शिकायत लेकर पहुंची है, उस महिला से हम बातचीत करते हैं कि ये किस लिए यहां पर पहुंची है, क्या कहना है, क्या मतलब यही कि जन शिकायत। जी जी, बताइए आप किस लिए यहां पहुंची हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता वाजपेयी नाम है और मायके से सुनीता त्रिपाठी हूँ। मेरी माँ मालती त्रिपाठी का भवन है अंदर, जिसको इन्होंने कब्जा कर रखा है। कौन? गोपाल राय ने कब्जा किया है। तो शिकायत की थी आपने इसकी कहीं? बिल्कुल की है, मुख्यमंत्री आवास में की है, डीजीपी पुलिस क्या की है, यहाँ हुसैनगंज थाने में की है। सबको पता है कि ये विवादित भवन है, मैं एप्लीकेशन दिखा दूँ। गोपाल राय यहाँ कैसे रह रहे हैं? मुझे नहीं पता, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर अंदर गली में है। ठीक है, तो गोपाल राय से कोई लेना देना आपका? नहीं, मेरा कोई। तो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर ये गोपाल राय का आवास है। और लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई एनजीओ गोपाल राय चलाते थे, एनजीओ के अलावा गोपाल राय जो है वो राजनीतिक पार्टी जो कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फंडिंग को लेकर ये पूरी रेड हुई है, कहीं इस फंडिंग का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, गोपाल राय की जो तस्वीरें हैं वो कई बड़े नेताओं के साथ हैं। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं उनके घर के बाहर जिस तरीके से तस्वीरें लगाई गई हैं, ये 3 मंजिला मकान है। लोकल पुलिस मौके पर मौजूद है, जरा लोकल पुलिस की तस्वीरें दिखाइए जो लोकल पुलिस इस वक्त अभी अंदर आई। हो सकता है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ लोकल पुलिस की कोई कम्युनिकेशन हुई हो, उसके बाद लोकल पुलिस के वरिष्ठ इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो हैं यहां पर पहुंचे हैं। और उसके बाद अभी भी बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं और लगातार पूछताछ चल रही है। किसी को घर के बाहर आने की इजाज़त नहीं है, किसी को घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक इसी तरीके से पूरे देश में 173 ठिकानों पर रेड चल रही है, 173 ठिकानों पर रेड चल रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोकल पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और रेड जो है इनके पीछे वाले जो कमरे में वो रेड यहाँ पर चल रही है। तो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस तरीके से गोपाल राय, क्योंकि गोपाल राय को लेकर शिकायतें जो थी बताई जा रहा है, इलाके के लोग भी बता रहे हैं कि कई एनजीओ चलाते थे, एनजीओ के अलावा राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अलग अलग जुड़े हुए थे। तो हो सकता है कि फंडिंग का दुरुपयोग का मामला हो। बहरहाल देखना होगा कितनी देर तक ये रेड चलती है, कितने घंटे तक चलती है, उसके बाद जब रेड खत्म होगा तो निकल कर सामने आएगा क्या कुछ इनके यहाँ से बरामद किया गया है। जी प्रशांत, और ये बेहद अहम खबर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जिस तरह से अमित बता रहे हैं कि लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। जनराज पार्टी के नाम पर क्या पैसों की उगाही हुई थी, क्या ऐसी फंडिंग हुई थी जो इलीगल थी, अवैध थी? आईटी विभाग इसकी छापेमारी करके अब जानकारी जुटा रहा है। लेकिन बड़ी खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दरअसल आयकर विभाग की छापेमारी के इस शोरगुल में हकीकत क्या है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देश भर में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। आयकर विभाग जो प्रदेश के अलग अलग कई ऐसे ठिकानों को खंगाल रहा है जहां यह आशंका थी कि क्या किसी अवैध तरीके से बनाई गई राजनीतिक दल को फंडिंग हो रही थी, क्या ये फंडिंग अवैध तरीके से हो रही थी, कई ऐसे भी आरोप लगे थे। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों ही एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह बताया था कि तकरीबन ऐसी 111 राजनीतिक पार्टियां हैं जो रजिस्टर तो करवा ली गई हैं लेकिन ये अस्तित्व में ही नहीं है। यानी क्या ये महज फंडिंग के लिए बनाई गई राजनीतिक पार्टियां थी, और इसीलिए देश के अलग अलग इलाकों में अब आईटी विभाग की ये छापेमारी हो रही है, उनके अकाउंट खंगाले जा रहे हैं कि यह फंडिंग कहां कहां से हो रही थी। दो और अहम मसले हैं कि अब जबकि राजस्थान में भी छापेमारी चल रही है लेकिन वहां का मुद्दा है मिड डे मील में फूड सप्लाई को लेकर के क्या टैक्स चोरी की गई है, वहां के गृह मंत्री से जुड़े लोगों पर यह छापेमारी हो रही है। लेकिन लखनऊ में एक बड़ी छापेमारी, अमित हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित जहां आप मौजूद हैं, कौन है ये लोग जिनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, क्या ताजा अपडेट?
जी हाँ बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीरें आप प्रशांत अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। यहाँ पर सीधी तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर रेड लगातार यहाँ पर जारी है। सुबह 6:30 बजे से ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेड जारी है। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोकल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी जब यहाँ गोपाल राय के ठिकानों पर आवास पर रेड करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले इनकम टैक्स के अधिकारियों ने लोकल पुलिस से बातचीत की, उनकी उनको लिया साथ में। उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। गोपाल राय जो कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई एनजीओ के वो मालिक भी हैं और कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं। तो इस तरीके से जानकारी जब कुछ हाथ लगी इनकम टैक्स की तो इनकम टैक्स के अधिकारी जो है तड़के आज सुबह में जिस तरीके से देश के कई राज्यों में कई शहरों में कुल 173 ठिकानों पर रेड इस वक्त चल रही है तो उसी जो इनके खिलाफ भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास पहुंची थी। और उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी तड़के सुबह गोपाल राय सोकर उठे उनके घर पर और उनको मालूम चला कि इनकम टैक्स की रेड हो गई। उनको घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया। इस वक्त गोपाल राय अंदर मौजूद हैं, उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी अंदर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिवली हमने बातचीत की लोकल पुलिस स्टेशन के जो सब इंस्पेक्टर थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं, वो किसी को बाहर आने नहीं दे रहे हैं, घर के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और जब ये रेड खत्म होगी, जब ये छापेमारी खत्म होगी तो उस दौरान मालूम चलेगा कि कितने घंटे रेड चलती है और क्या कुछ बरामद होता है। कई एनजीओ के मालिक साथ में एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं तो जाहिर तौर पे इनकम टैक्स अधिकारियों के पास इनकी जानकारी मिली होगी, इनकी इंफॉर्मेशन मिली होगी। एक बार मैं आपको पूरी तस्वीर इनके घर का दिखाता हूँ। ये लखनऊ का चितवापुर इलाका है जो हुसैनगंज एक पॉश इलाका कहा जाता है लखनऊ का, उसी हुसैनगंज में एक चितवापुर इलाका है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, यहाँ पर लिखा हुआ है गोपाल राय मकान नंबर 65/25 छितवापुर रोड लखनऊ। तो यहाँ पर रेड चल रही है। दूसरी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि आखिरकार गोपाल राय की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं तो गोपाल राय की जो तस्वीरें हैं कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ हैं, कई नेताओं के साथ हैं। तो ये गोपाल राय की तस्वीर है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये गोपाल राय की तस्वीर है और इसमें लिखा हुआ है चेयरमैन CPGII। तो ये गोपाल राय की तस्वीर है। तो आज सुबह 6:30 बजे के आसपास लोकल पुलिस के साथ यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी बिल्कुल अमित ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं लखनऊ से कि जहां छापेमारी आयकर विभाग की चल रही है लेकिन ये छापेमारी देश के कई अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। दरअसल राजस्थान से भी एक बड़ी खबर आ रही है, आयकर विभाग की छापेमारी राजस्थान में भी चल रही है लेकिन बड़ी बात ये है कि राजस्थान के गृह मंत्री से जुड़े लोगों के यहां ही छापेमारी चल रही है। और आरोप ये लगा है कि मिड डे मील में जो फूड सप्लाई होती है इसमें एक बड़ी धांधली हुई है, टैक्स चोरी हुई है और इसीलिए राजस्थान में किस तरह की छापेमारी। हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या ताजा अपडेट राजस्थान में जो छापेमारी चल रही है क्योंकि वहां बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आईटी रेड पर? देखिए प्रशांत, मैं उस जगह पर हूं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। 37 में से एक ठिकाना उषा निकेतन D76, ये वही एक अपार्टमेंट है जहां पर घनश्याम पारी के जिनका नाम बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि शायद कोई इस मिड डे मील स्कीम से जुड़े हुए कोई अफसर हो सकते हैं। अभी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है, अंदर है क्योंकि CRPF के जवान भी है ऊपर। ये दो गाड़ियां उनकी जो इनकम टैक्स की के अफसरों की है यहां पर, ये बाहर आप देख सकते हैं कि दो गाड़ी के अंदर यहां पर आए थे इस वक्त रेड करने के लिए। अंदर रेड की कार्रवाई इस वक्त जारी है। यहां पर हम कोशिश करेंगे कि अंदर की तस्वीरें भी आपको बताएं, लेकिन कि अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के अंदर कार्रवाई हो रही है यहाँ पर और इस वक्त रेड लगातार जारी है। और खास बात यह है क्योंकि मिड डे मील से जुड़ा हुआ पूरा मसला है जिसके अंदर धांधली के अंदर न सिर्फ राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, उनके बेटे पर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो हमने जो फैक्ट्री की है और मधुर यादव उनके बेटे हैं वहां पर उनकी वो तस्वीरें हैं। और ये कनेक्शन पूरा आप खंगालेंगे तो कनेक्शन जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और क्योंकि मिड डे मील का घोटाला छोटा घोटाला नहीं है, कोई एक स्टेट का जुड़ा हुआ मसला नहीं है, 8 स्टेट से जुड़ा हुआ मसला है। और इसके अंदर जो सप्लायर है पूरी एक चैन है, सप्लायर निर्माता और इसके अलावा जो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है वो तमाम जुड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पैसा आया वो पैसा कहाँ गया, टैक्स चोरी का पैसा कहाँ गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि ये कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं और इसमें देखा जा रहा है क्या ये पॉलिटिकल फंडिंग हुई है, ये आरोप पहले भी लगे थे, इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल है कि आयकर की टीम इस वक्त जो जाँच कर रही है उसके अंदर, जाँच के अंदर इस वक्त ये कोशिश कर रही है जानने की कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है, हम नीचे से आपको नाम बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मसला है, घनश्याम पारी उनके यहाँ हो रही है। और अब ये कनेक्शन देखा जा रहा है कि
जो मिड डे मील से जुड़े हुए अफसर हैं उनकी क्या भूमिका थी इसके अंदर? चोरी हो रही थी तो आखिर उनकी निगरानी क्यों नहीं थी? टैक्स चोरी का हिसाब किताब क्या था? और राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव, उनसे भी पूछताछ हो सकती है? अभी उनके जो खुद का सरकारी निवास है उस पर छापेमारी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके बेटे के फॉर्मों पर छापेमारी हो रही है, सीधा उनके बेटे मधुर यादव उनकी फॉर्म का नाम आ रहा है जिस पर छापेमारी हो रही है। राजस्थान फैब्रिकेशन जो पैकिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, जहां कोटपुतली के अंदर, यहां से जयपुर से 100 किलोमीटर दूर है जहां फैक्ट्री, जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान सरकार के मंत्री, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, उनकी भूमिका आ रही है सामने, क्योंकि उनके बेटे से जुड़ी हुई कंपनी है तो जाहिर तौर पर उनसे भी पूछताछ हो सकती है। और ये जो चोरी हुई है, वो पैसा कहाँ गया, तमाम तरीके की जानकारियां यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो ये जो पड़ताल है इसके अंदर इसका दायरा और बढ़ सकता है, ये और इसके दायरे के अंदर कौन कौन लोग है, ये आगे भी, अभी छापेमारी की पूरी डिटेल आएगी तब पता लगेगा कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किस किस का है, और ये पैसा कितना पैसा टैक्स चोरी का था, और वो पैसा कहाँ गया, क्या ये पॉलिटिकल फंडिंग हुई है। जी बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ी ये खबर जो है, तो न सिर्फ आयकर विभाग की ये जो बड़ी छापेमारी है उससे जुड़ी हुई खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां इस वक्त आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। अब जरा नक्शे पर भारत के आप जान लीजिए वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये बड़ी छापेमारी आयकर विभाग की चल रही है। उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली, छत्तीसगढ़, यहां इस वक्त आयकर विभाग की छापेमारी है। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, इन 7 राज्यों में आयकर विभाग की छापेमारी, और सबसे ज्यादा राजस्थान, यहां पर जो गृह राज्य मंत्री है उनके ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों के ऊपर भी छापेमारी चल रही है। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा 54 जगहों पर छापेमारी चल रही है। सुबह इन 7 राज्यों को मिलाकर के जो आंकड़ा था वो एक आ जा रहा था 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। 173 जगह ऐसी है इन 7 राज्यों की जहां इस वक्त आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ केंद्रीय जो सुरक्षा दस्ता है वो भी पहुंचा हुआ है, पूरी सिक्योरिटी के साथ इन 7 राज्यों में पहुंचे हुए आयकर विभाग के अधिकारी, और अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ राजस्थान में ही, छत्तीसगढ़ में ही, दिल्ली में ही इस तरह की छापेमारी नहीं चल रही है, बल्कि देश के कई और ऐसे राज्य हैं जहां ये छापेमारी आयकर विभाग की लगातार जारी है। और खास बात यह है कि गुजरात में भी कई ऐसे खास ठिकाने हैं जहां ये छापेमारी चल रही है आयकर विभाग की। कई ऐसे अहम जगहों पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ और सीआरपीएफ का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी उनके जवानों को बुलाया गया है। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर यह छापेमारी चल रही है, कितने बड़े ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। जनक दवे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है इस वक्त गुजरात में जहां आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है? देखिए प्रशांत, अभी मैं जो अहमदाबाद का सिल्वर एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर देखिए ये सिल्वर ऑक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अभी छापेमारी चल रही है। आज सुबह ही जब लगभग 8 बजे के आसपास जब सारे छात्र यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए, उसी समय पर सभी छात्रों को बाहर निकाला गया और अंदर जो उनका दफ्तर है यूनिवर्सिटी का, उस दफ्तर पर छापेमारी की गई। अब देखिए क्या न्यूज़ 18 के कैमरा पर आपको मैं दिखाऊंगा, अंदर पुलिस के जवान वहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में यहाँ पर अंदर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। आज यहाँ पर कई छात्रों की परीक्षाएँ चल रही थी, लेकिन सभी छात्रों को बाहर निकाला गया। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गुजरात में 20 से ज़्यादा लोकेशंस पर अभी छापेमारी चल रही है। एसआरपी की जो एक पूरी कंपनी है जिसमें 100 से ज़्यादा जवान होते हैं, उन जवानों को वहां डिप्लॉय किया गया, बड़ौदा सबको बुलाया गया, और उसके बाद अलग अलग यूनिट्स के साथ, अलग अलग टीमों के साथ वहां से जहां छापेमारी चल रही थी वहां पर भेजा गया। ये अहमदाबाद का सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी और उनके जो कई ट्रस्टी और मालिक हैं, उसमें एक शीतल अग्रवाल है, उनके यहाँ पर भी छापेमारी अभी चल रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक CSR जो फंड होता है उसमें से राजनीतिक दलों को चंदा देने का मामला है, और उसमें गड़बड़ी पाए होने की जानकारी जब आयकर विभाग को मिली, उसके बाद छापेमारी वहां पर शुरू की गई। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अंदर छापेमारी चल रही है, और अहमदाबाद में 4 से 5 जगह हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। बड़ौदा, वापी, वलसाड और सूरत का जो पैच है वहां पर चुकी है। बिल्कुल जनक जी, बड़ी तादाद में गुजरात में भी ये छापेमारी चल रही है, लेकिन खास बात यह है कि राजस्थान और गुजरात में ही ये छापेमारी नहीं चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ही नहीं चल रही है,
बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है। लेकिन क्यों आयकर विभाग ने इस तरह की एक पूरी योजना बनाई है कि देश भर में एकीकृत रूप से यानी एक साथ उन खास चुनिंदा जगहों पर छापेमारी की जाए जो इनके निशाने पर थे, जो इनके टारगेट पर थे, जहां शक और सुबह की गुंजाइश थी। आखिर किस तरह के डाउट के तहत आयकर विभाग की ये छापेमारी हो रही है, कहां कहां हो रही है, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। मैं पहुंचा हूं अभिषेक कृष्णा, ये नाम है, एडवोकेट है और सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये एडवोकेट देखिए अभिषेक कृष्णा नाम है और यहाँ पर इनकम टैक्स की सर्च चल रही है और यहाँ पर इस वक्त में इनकम टैक्स की टीम इस रूम के अंदर मौजूद है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की भी मदद ली गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इसी रूम के अंदर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जनराज पार्टी नाम की स्थापना की गई, जनराज पार्टी, और उस जनराज पार्टी को बनाया गया था ये दिल्ली के एड्रेस में बनाया गया। और इस कंपनी को बनाने वाला जो एक हम जैसा कि हम सुबह में बता रहे थे कि एक वकील की भूमिका सामने आई और ये वकील हैं अभिषेक कृष्णा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और जिस तरह से इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी पहुँचे और इस वक्त में करीब 5 से 7 इनकम टैक्स के अधिकारी इस लोकेशन में मौजूद। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया और यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी इस रूम में हैं और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस कमरे में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। काफ़ी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं इस कमरे में मौजूद हैं और देश में आज तकरीबन 100 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जिस तरह से एक बड़ी टीम का गठन किया गया और अलग अलग राज्यों में, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम उन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आयकर विभाग की किस तरह से छापेमारी चल रही है, देश के अलग अलग ठिकानों में ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि कई ऐसी शिकायतें थी, आरोप ये लग रहा है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल बनाए गए थे छोटे छोटे जो अस्तित्व में ही नहीं थे, भले ही इनका रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था। और जिस तरह से अभी जानकारी मिल पा रही है कि देश भर में 173 जगहों से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है। राजस्थान में तो वहां के गृह राज्य मंत्री के बेटे के ठिकानों पर ही सीधे छापेमारी चल रही है। हालांकि राजस्थान का मुद्दा यह है कि वहां मिड डे मील में फूड सप्लाई जो हो रही थी एक बड़े पैमाने पर धांधली थी और ये मसला सिर्फ राजस्थान से ही जुड़ा नहीं था, दिल्ली से ही जुड़ा नहीं था, बल्कि देश के 8 ऐसे राज्य थे जहां से ये मुद्दा जुड़ा हुआ था। देश के अलग अलग इलाकों में, राज्यों में किस तरह से छापेमारी चल रही है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सियासी बयान भी इस पर आ रहे हैं लगातार और इन बयानों में ये कहा जा रहा है कि अब इसके बाद कुछ और विभाग भी हैं जो छापेमारी करेंगे, लेकिन जयपुर में छापेमारी चल रही है, यानी MP, छत्तीसगढ़, दिल्ली के अलावा देश के कई और इलाके जहां ये छापेमारी जारी है और न्यूज 18 इंडिया पर पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंच रही है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 16% ज्यादा दर्शकों ने देखा। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.3% मार्केट शेयर है, जबकि 12.2% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और ABP न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे है। आपका भरोसा लगातार हमें बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा उगाही के मामले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। देश के कई राज्यों में 170 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी, टैक्स की चोरी का मामला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इस छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री मलय घटक के घर पहुंची CBI। कोयला तस्करी मामले में आसनसोल के घर में तलाशी अभियान, घर पर नहीं मिले मंत्री मलय। आज होगी केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक, PM की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। देश भर में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पूरे देश में आयकर विभाग का ये बहुत बड़ा एक्शन इस वक्त सामने आया है। तो ये एक बड़ा गोरख धंधा है, तो न कि केवल गुजरात बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी जानकारी सामने आई है। पॉलिटिकल पार्टी से या चुनावों से कनेक्शन जोड़ने, इसके बाद एक अलग अलग स्टेट्स का भी खुलासा हो रहा है। फंडिंग को लेकर ये पूरी रेड हुई है। देश के अलग अलग इलाकों से जो छापेमारी चल रही है, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हम ये खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं। कर रहे
रहे थे ताकि तेल की कीमतों में लगी आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इन देशों ने किया इसके बिल्कुल उलट। कच्चे तेल का उत्पादन और कम करने का फैसला कर लिया। कच्चे तेल के उत्पादन का सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ता है। अगर मांग के बराबर सप्लाई हो जाए तो कीमतें काबू में रहेंगी, लेकिन अगर मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़नी तय है। तेल का खेल अब कुछ इसी रास्ते पर चल पड़ा है। जबकि कच्चे तेल का उत्पादन ओपेक प्लस देशों ने उस वक्त कम करने का फैसला किया था जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की मांग काफी कम थी, यानी 2020 में जब पहली बार कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया था और पूरी दुनिया में एक साथ सख्त लॉकडाउन लगाया गया। जब गाड़ियां चलनी बंद हुई तो पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम हो गई। उसी वक्त कच्चे तेल की कीमतें $30 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तब हालात संभालने के लिए ओपेक प्लस संगठन ने कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद उस फैसले को पलटा नहीं गया था। लॉकडाउन हट भी गए और दुनिया कोरोना से आगे भी बढ़ गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन कम रखने में ही ओपेक प्लस देशों को ज्यादा फायदा होना तय है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें भी कम होंगी, जिससे ओपेक प्लस का नुकसान होगा। लेकिन अब कच्चे तेल के उत्पादन में हर दिन 1,00,000 बैरल की कटौती बाजार पर बड़ा असर डालने वाली है, क्योंकि इस फैसले की वजह से दुनिया के उन सभी देशों का गणित बिगड़ना तय है जो कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। महंगे तेल की वजह से उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया में महंगाई लोगों का हाल बेहाल कर रही है। अमेरिका से यूरोप तक और ब्रिटेन से अफ्रीका तक दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के कगार पर पहुंच गई हैं। ऊपर से यूक्रेन जंग के कारण बड़े व्यापारिक समीकरणों ने दुनिया को बेहाल कर रखा है। ये वो हालात हैं जिनकी वजह से ओपेक प्लस देशों को तेल का उत्पादन घटाने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि मंदी का संकट अगर बढ़ा तो तेल की मांग कम हो जाएगी। काम धंधे अगर चौपट हुए तो तेल की मांग कम हो जाएगी। अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं औंधे मुंह गिरने लगी तो तेल की मांग कम होनी तय है। इसी संकट का अनुमान दुनिया की कई एजेंसियां पहले से लगा रही हैं। अगर मंदी आई तो तेल की कीमतें घटनी तय हो जाएंगी, इसलिए ओपेक प्लस संगठन ने उत्पादन को और कम करने का फैसला लिया। अब अगर तेल की कीमतें और बढ़ी तो दुनिया का हर वो देश बेहाल होगा जो तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है। लेकिन ये हालात अमेरिका के लिए बहुत बड़ी फजीहत की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पिछले करीब 6 महीने में ओपेक प्लस संगठन पर दबाव बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन बाइडेन की किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कई बार सऊदी अरब और यूएई के नेताओं से बात करने के बाद बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर भी चले गए, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद तेल की कीमतों का बढ़ना रूस की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। महंगे तेल की वजह से पुतिन अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे रहे, हालांकि उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और यूरोप का बहुत बड़ा नुकसान करने में वो जरूर कामयाब हो गए। महाशक्तियों की इस टक्कर में दुनिया के वो देश फंस गए जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। उन देशों की हालत खराब हो गई जो महंगे तेल का बोझ झेल नहीं पाए। बार बार बाइडेन तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील ओपेक प्लस से करते रहे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। अब कच्चे तेल का उत्पादन और कम करने का फैसला बाइडेन के लिए इंटरनेशनल फजीहत से कम नहीं। इस बीच भूकंप के तेज झटकों से चीन का सिचुआन प्रांत हिल गया। एक दिन पहले आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई, जिसमें 46 लोगों की जान गंवाने की खबर भी सामने आई, क्योंकि चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटकों ने सिचुआन प्रांत में रहने वाले लोगों को हिलाकर रख दिया। सामने आई तस्वीरों में भूकंप के झटकों से सड़क पर लगे पेड़ ऐसे हिलते दिखे जैसे कोई हल्का पुल्का खिलौना। ये मंजर देखकर वहां से गुजर रहे लोग घबरा गए। भूकंप की तीव्रता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई मकानों की छतें उसके आगे टिक नहीं पाईं और भरभराकर सड़क पर गिर गईं, जिसके बाद इलाके में धूल का गुब्बार छा गया। लेकिन इन हालात में लोगों के सामने ये परेशानी खड़ी हो गई कि वो अपनी जान बचाने के लिए जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि हर तरफ भूकंप के कारण खतरा मंडरा रहा था। वहां के पहाड़ी इलाकों में तो पहाड़ों का मलबा आकर सड़क पर गिर गया और कई रास्ते इस वजह से बंद हो गए और लोग बीच रास्ते में फंस गए। जो जहां था उसके लिए वहीं खड़े रहना मजबूरी हो गया। ऐसे में उन लोगों को अपने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई नजर आने लगी। भूकंप से कुछ मकान तो सड़क के अंदर ही धंस गए। इन हालात में कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों के शवों को रेस्क्यू टीम ने नदी नालों के अंदर से निकाला। और कुदरत की इस मार से जिन लोगों की जान बच गई उनके जख्मों को भरने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इन हालात में वहां के प्रशासन की टीम भी फौरन एक्शन मोड में आ गई और रेस्क्यू टीम के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन की टीम को तुरंत भूकंप से प्रभावित जगहों के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि इस काम में फायर विभाग के करीब 1100 कर्मचारियों की मदद ली गई, साथ ही 50 लोगों की रेस्क्यू टीम और आपदा प्रबंधन की टीम के करीब 100 कर्मचारियों को लोगों की मदद के लिए रवाना किया गया।
इन सब के अलावा भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए हजारों टेंट लगाए गए, जहां उनके लिए कंबल से लेकर खाने पीने की व्यवस्था की गई। यही नहीं, एक हेलीकॉप्टर को भी राहत बचाव के काम में लगाया गया। उधर झारखंड के धनबाद में मुथुट फाइनेंस में दिन दहाड़े लूट के इरादे से आए लुटेरों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश मारा गया जबकि दो को दबोच लिया गया। बताया गया कि पांच लुटेरे हथियारों के साथ फाइनेंस कंपनी के अंदर दाखिल हुए, लेकिन इसी दौरान खबर मिलते ही फौरन एक्शन में आते हुए पुलिस ने सभी बदमाशों को अंदर ही घेर लिया। कुछ देर चले एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को रस्सियों से बांधकर बाहर निकाला गया। कुछ जवान उसे इसी तरह पकड़कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिनमें कुछ लोग इस घटना का वीडियो बनाते रहे। उसके दूसरे साथी को भी इसी तरह रस्सियों में जकड़कर जमीन पर लिटा दिया गया। उसके ऊपर एक जवान बंदूक ताने दिखा तो बाकी पुलिस वाले उसे घेर कर खड़े रहे। पास ही उस बदमाश के हथियार और गोलियां भी नजर आईं। थोड़ी दूर पर स्कूटर के बगल में मारे गए तीसरे लुटेरे का शव पड़ा दिखा। और बताया गया कि इससे पहले जब हथियारों से लैस लुटेरे मुथूट फाइनेंस के अंदर घुसे तो उन लोगों ने चोर कर्मचारियों को डराने की कोशिश भी की, लेकिन तभी पुलिस वाले वहां पहुंच गए, जिन्हें देखकर वो भागने लगे। लेकिन उनके रफू चक्कर होने से पहले ही पुलिस ने सबको घेर लिया। शूटआउट में एक वही ढेर हो गया जबकि दो गिरफ्तार कर लिए गए। पता चला पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनकाउंटर किया है। वहीं मौके से फरार दो बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिस पर हंगामा मच गया। लिफ्ट में एक पालतू कुत्ते ने 9 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। घटना के वक्त कुत्ते की मालकिन भी लिफ्ट में मौजूद थी और उन्होंने कुत्ते के गले में बंधे पट्टे को पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कुत्ते के बच्चे ने काट लिया। 9 साल का बच्चा लिफ्ट में पहले से मौजूद था, उसके कंधे पर स्कूल का बैग था और वो ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में आ गई। महिला पीछे की तरफ आती गई जबकि बच्चा पहले से पीछे था। कुत्ते के साथ महिला को देखकर बच्चे को शायद डर लगा होगा, इसलिए वो अगले हिस्से की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बच्चा कराहने लगा, उसे बुरी तरह चोट लगी थी, लेकिन महिला का बर्ताव देखकर ऐसा जरा भी नहीं लगा कि उसे बच्चे पर रहम भी आया हो। बच्चे को इतनी जोर से चोट लगी थी कि उसका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन महिला केवल तमाशा देखती रही। लिफ्ट खुली तो महिला निकलने की कोशिश करने लगी। कुत्ते ने फिर बच्चे को काटने की कोशिश की, लेकिन वो बचने में कामयाब रहा। सोसाइटी बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है। देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। राजनीतिक दलों के नाम पर फर्जी बाड़े का आरोप है। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का भी आरोप लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई दूसरे राज्य हैं जहां पर छापेमारी आयकर विभाग की चल रही है। राजनीतिक दल के नाम पर चंदा उगाही का पूरा मामला है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की एक्सक्लूसिव खबर। सुबह 6:30 बजे से चल रही है रेड। बेंगलुरु के एक दूसरे इलाके में पानी के बीच फंसे लोगों का बुलडोजर से रेस्क्यू किया गया। पानी की तेज धार के बीच बुलडोजर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाता दिखाई दिया। लेकिन ऐसी ही तस्वीरें बेंगलुरु के दूसरे कई इलाकों से भी सामने आई, जहां घरों में कैद लोगों ने ऑफिस जाने के लिए अपनी महंगी गाड़ियों को छोड़कर ट्रैक्टर का सहारा लिया और ट्रॉली पर बैठकर वो ऑफिस जाते दिखाई दिए। सैलाब के बीच ट्रैक्टर ने कर्मचारियों को भी कई चक्कर लगाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन बारिश की सबसे ज्यादा मार निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पड़ी। हाँ, हम लोगों को ऑफिस जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, इतना पानी है, रूम के सामने भी इतना पानी है। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि उसे निकालने के लिए मोटर का सहारा लेना पड़ा। बेंगलुरु के निचले इलाकों में सैलाब ने ऐसा सितम ढाया कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कई लोग सड़क पर घुटने तक भरे पानी के बीच से सामान के साथ दूसरी जगह पर जाते नजर आए। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। सैलाब की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार ही थम गई और लोग घंटों भीषण जाम में फंसे रहे। हाईवे और अंडरपास में इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए थम गए। लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें गायब दिखी। सैलाब की वजह से जाम में फंसे लोगों को घर तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग तो घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल ही सड़क पार करते दिखाई दिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ज्यादातर जिलों में सड़कें पानी में डूब गईं। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया।
हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा और उसका मलबा हाईवे पर इकट्ठा हो गया। इसके साथ ही वहां धूल का गुब्बार भी उठता नजर आया। इस दौरान वहां प्रशासन की टीम मौजूद थी जो बिना देरी किए खुदाई करने वाली मशीन से पहाड़ के मलबे को हटाने में जुट गई। इस बीच दक्षिण कोरिया पहुंचे ताकतवर तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। समंदर में सुनामी जैसी लहरें उठने लगी। राजधानी सोल समेत दक्षिण कोरिया के कई हिस्सों में सड़कों पर सैलाब आ गया। तूफान की वजह से 20,000 घर अंधेरे में डूब गए। इस चक्रवाती तूफान को इस साल का सबसे खतरनाक तूफान कहा जा रहा है जिसने दक्षिण कोरिया को दहला कर रख दिया। तूफान की वजह से दक्षिण कोरिया के दक्षिणी हिस्से में कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर नहीं बल्कि 3 फीट तक बारिश हुई। 3 फीट बारिश का मतलब कि शहर की सड़कों पर कमर तक पानी भरना। देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। दक्षिण कोरिया पहुंचा तूफान सबसे पहले छेजू द्वीप और बुसान शहर के तटवर्ती इलाकों से टकराया। चक्रवात की वजह से वहां 133 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज हवाएं चली जिसकी वजह से समंदर में सुनामी जैसी लहरें उठती दिखाई दी। वहां समंदर के किनारे सड़क से गुजर रही गाड़ियां भी उन लहरों की चपेट में आ गईं। 2 गाड़ियां तेजी से आगे निकल गईं जबकि एक गाड़ी ने तो अपना रास्ता ही बदल लिया। इस बीच वहां एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर देखने को मिली जिसमें तूफान के खतरे के बीच एक आदमी समंदर के किनारे खड़े होकर वीडियो बनाता दिखाई दिया जबकि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, लेकिन उनसे बेपरवाह वो आदमी तूफान को मोबाइल में रिकॉर्ड करता नजर आया। तभी अचानक समंदर में उठी एक भीषण लहर ने उस आदमी को उठाकर किनारे से दूर धकेल दिया। पानी के धक्के से सड़क पर गिरा वो आदमी दूर तक फिसलता दिखाई दिया। इसके बाद वो उठा और अपना मोबाइल फोन संभालता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। हैरानी की बात यह है कि इतने शक्तिशाली तूफान के बीच भी वो बिना अपनी जान की परवाह किए बिना लापरवाही से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। हालांकि तूफान और भारी बारिश की वजह से राजधानी सोल और उसके आसपास के इलाकों में कुल 14 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तूफान ने दक्षिण कोरिया के दक्षिणी हिस्से में ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। वहां बुसान शहर में तेज हवा के साथ बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि कई इलाकों की शक्ल ही बदल गई। सड़कों पर दूर दूर तक मलबा बिखरा दिखाई दिया, पेड़ उखड़े हुए नजर आए। दक्षिण कोरिया सरकार के मुताबिक तूफान की वजह से 20,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई जबकि दक्षिणी हिस्से में बसे करीब 3,500 लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही 600 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। तूफान ने 250 से ज्यादा उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया और दक्षिण कोरिया में लोगों को दहलाने के बाद ये शक्तिशाली तूफान उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ गया जिसके बाद ये ताकतवर तूफान अब चीन के लिए खतरा बनता जा रहा है। वहां इससे निपटने के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है और चीन के पूर्वी हिस्सों के कई प्रांतों में तूफान का मुकाबला करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। आशंका जताई गई कि चीन में दक्षिण कोरिया की तरह ही तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, यानी वहां भी तूफान सब कुछ तहस नहस कर सकता है। इसे देखते हुए चीन ने कई उड़ानों को रद्द कर दिया। वहां समंदर में नाव लेकर जाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए शंघाई में 50,000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने का अनुमान है जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस के एक फैसले की की छापेमारी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें, राजस्थान के कोटपूतली में 37 जगहों पर छापेमारी चल रही है। न्यूज 18 के भवानी की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राजेंद्र यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। राजस्थान में आयकर विभाग की यह बड़ी छापेमारी थी ताकि तेल की कीमतों में लगी आग पर काबू पाया जा सके। दुनिया की महाशक्तियां इन देशों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील कर रहे थे ताकि तेल की कीमतों में लगी आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इन देशों ने किया इसके बिल्कुल उलट। कच्चे तेल का उत्पादन और कम करने का फैसला कर लिया। कच्चे तेल के उत्पादन का सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ता है। अगर मांग के बराबर सप्लाई हो जाए तो कीमतें काबू में रहेंगी, लेकिन अगर मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़नी तय है। तेल का खेल अब कुछ इसी रास्ते पर चल पड़ा है। जबकि कच्चे तेल का उत्पादन ओपेक प्लस देशों ने उस वक्त कम करने का फैसला किया था जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की मांग काफी कम थी, यानी 2020 में जब पहली बार कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया था।
और पूरी दुनिया में एक साथ सख्त लॉकडाउन लगाया गया। जब गाड़ियां चलनी बंद हुई तो पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम हो गई। उसी वक्त कच्चे तेल की कीमतें $30 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तब हालात संभालने के लिए ओपेक प्लस संगठन ने कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद उस फैसले को पलटा नहीं गया था। लॉकडाउन हट भी गए और दुनिया कोरोना से आगे भी बढ़ गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन कम रखने में ही ओपेक प्लस देशों को ज्यादा फायदा होना तय है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें भी कम होंगी, जिससे ओपेक प्लस का नुकसान होगा। लेकिन अब कच्चे तेल के उत्पादन में हर दिन 1,00,000 बैरल की कटौती बाजार पर बड़ा असर डालने वाली है, क्योंकि इस फैसले की वजह से दुनिया के उन सभी देशों का गणित बिगड़ना तय है जो कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। महंगे तेल की वजह से उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया में महंगाई लोगों का हाल बेहाल कर रही है। अमेरिका से यूरोप तक और ब्रिटेन से अफ्रीका तक दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के कगार पर पहुंच गई हैं। ऊपर से यूक्रेन जंग के कारण बड़े व्यापारिक समीकरणों ने दुनिया को बेहाल कर रखा है। ये वो हालात हैं जिनकी वजह से ओपेक प्लस देशों को तेल का उत्पादन घटाने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि मंदी का संकट अगर बढ़ा तो तेल की मांग कम हो जाएगी। काम धंधे अगर चौपट हुए तो तेल की मांग कम हो जाएगी। अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं औंधे मुंह गिरने लगी तो तेल की मांग कम होनी तय है। इसी संकट का अनुमान दुनिया की कई एजेंसियां पहले से लगा रही हैं। अगर मंदी आई तो तेल की कीमतें घटनी तय हो जाएंगी, इसलिए ओपेक प्लस संगठन ने उत्पादन को और कम करने का फैसला लिया। अब अगर तेल की कीमतें और बढ़ी तो दुनिया का हर वो देश बेहाल होगा जो तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है। लेकिन ये हालात अमेरिका के लिए बहुत बड़ी फजीहत की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पिछले करीब 6 महीने में ओपेक प्लस संगठन पर दबाव बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन बाइडेन की किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कई बार सऊदी अरब और यूएई के नेताओं से बात करने के बाद बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर भी चले गए, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद तेल की कीमतों का बढ़ना रूस की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। महंगे तेल की वजह से पुतिन अमेरिका और यूरोप पर दबाव